नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी JIV एग्जामिनेशन की। तो फ्रेंड्स, आज उसी प्रिपरेशन को और अच्छा करने के पर्पज़ से मैं आपके सामने लाया हूँ व्हाट टू स्टडी इन RBWM यानी रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट पार्ट 4 लेक्चर। तो ऑलरेडी मैंने आपको पार्ट 3 लेक्चर तीन लेक्चर्स प्रोवाइड कर चुके हैं इस टॉपिक का। देखिए, बहुत पर्टिनेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या पढ़ें हम। सिलेबस इतना वॉल्यूमिनस है, 500-600 पेजेस का चैप्टर्स है, हमारे पास समय नहीं रहता है, राइट। हमारे पास टाइम का बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है, तो बहुत ज़रूरी हो गया है इस समय पर खासकर उन सभी टॉपिक को पढ़ने का जिसे सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। तो मैंने वही चीज़ को इसको प्रॉपरली एनालाइज किया, मैंने पिछले 3 से 4 साल का सवाल देखा। आप पूछेंगे कि 3-4 साल था ही नहीं एग्जाम, था, बिल्कुल था, CIB का रिटेल बैंकिंग इलेक्टिव पेपर था और पिछले जनवरी से ये हमारा JIV का पार्ट बना है, राइट। तो उसको मैंने प्रॉपरली एनालाइज किया है और खासकर जो पिछला 2 एग्जाम हुआ है इसका ज़्यादा महत्व दिया गया है। और फिर मैंने डिसाइड किया कि हाँ, ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आप चाह रहे हैं कि आपको RBWM में 50+ लाना है तो प्लीज़ हमारा पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 वीडियो देखिए और फिर पार्ट 4 देखिए। ये कंटिन्यूएशन वीडियो है, मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ, पेज नंबर बताता हूँ, आप चाहे तो पेज को अंडरलाइन कर लें, रिविजन पर्पज में काम आएगा। और फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पार्ट 4 लेक्चर को पहले कंसेप्ट के साथ, जो कि हमारा TAT क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम होता है। तो हम लोग बात करेंगे हार्मोनाइजेशन ऑफ TAT एंड कस्टमर कॉम्पेंसेशन फॉर फेल ट्रांजेक्शन, पेज नंबर 392 ऑफ योर RBWM बुक। देखिए दोस्तों, बताया जा रहा है कि इसका पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ TAT। ये इंश्योर करना कि कस्टमर का कॉन्फिडेंस हो, यूनिफॉर्मिटी हो फेल ट्रांजेक्शन को रिजॉल्व करने में अक्रॉस ऑल ऑथराइज पेमेंट सिस्टम, राइट। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों, इसका फ्रेमवर्क, इसका इसके फ्रेमवर्क की बात करें हम लोग, तो देखिए सबसे पहले कि आप TAT को मैक्सिमम लिमिट सेट कीजिए, राइट। यू सेट द TAT एज अ मैक्सिमम लिमिट। तो आप TAT को मैक्सिमम लिमिट सेट कीजिए फेल ट्रांजेक्शन को रिजॉल्व करने में। एंड फिर बैंक और ऑपरेटर स्ट्राइव करते हैं क्विकर रिजोल्यूशन के लिए, राइट, टू इंश्योर कस्टमर कॉन्फिडेंस एंड यूनिफॉर्मिटी इन रिजॉल्विंग फेल ट्रांजेक्शन अक्रॉस ऑल ऑथराइज्ड पेमेंट सिस्टम। इसके फ्रेमवर्क में हम लोग TAT को मैक्सिमम लिमिट सेट करते हैं फेल ट्रांजेक्शन को रिजॉल्व के लिए, और बैंक और ऑपरेटर जो है वो ट्राई करते हैं कि हमारा जो भी इनका प्रॉब्लम है उसको क्विकली हम लोग रिजॉल्व कर लें। कस्टमर कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं अंडर द रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। ये आपको पता होगा, ओम्बड्समैन स्कीम के बारे में आप जानते होंगे। बेसिकली ये ओम्बड्समैन स्कीम 2021 में आया था। यदि रिजोल्यूशन, एक तो टर्न अराउंड टाइम होता है, तो टर्न अराउंड टाइम के अंदर यदि रिजोल्यूशन जो है नहीं हो पाता है तो फिर क्या करना पड़ता है, कस्टमर कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं अंडर ओम्बड्समैन स्कीम 2021, ठीक है। ये बातें क्लियर होंगी आपको। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी की पॉइंट्स की। सबसे पहले ATM की बात करते हैं। देखिए, ये सब सवाल पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से समझना है हमें। पहला पॉइंट ये समझना है आपको कि कस्टमर अकाउंट को डेबिट कर लिया हमने लेकिन कैश अभी तक डिस्पेंस नहीं किया, तो उस केस में क्या होगा बताइए, उस केस में क्या होगा। तो उस केस में क्या है कि जो टर्न अराउंड टाइम दिया गया है ऑटो रिवर्सल के लिए वो है T+5 डेज। मान लीजिए आज के दिन जो है कस्टमर का अकाउंट, वो ATM में गया ट्रांजैक्शन करने और उसका पैसा निकला नहीं, और लेकिन अकाउंट से पैसा कट गया, ठीक है, ऐसा कुछ हुआ, तो अब उसके लिए कितना टाइम दिया गया है ये बताइए। उसके लिए जो टाइम दिया गया है ऑटो रिवर्सल का TAT दिया गया है वो है T+5, मतलब 5 दिन आप रुक जाइए, ठीक है। ये देखिए, प्रैक्टिकल बैंकिंग लाइफ में भी आपको काफ़ी मदद हेल्प होगा। तो 5 दिन आप रुक जाइए, आपका पैसा वापस आ जाएगा, तो ये टर्न अराउंड टाइम है। लेकिन मान लीजिए कि इतने दिनों में नहीं आया तो फिर क्या होगा, तो फिर जो कॉम्पेंसेशन होता है वो 100 रुपया प्रत्येक दिन के हिसाब से होता है बियॉन्ड T+5 डेज, ठीक है, ये बातें ध्यान रहेंगी आपको। चलिए अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं कार्ड ट्रांजेक्शन की। आइए कार्ड ट्रांजेक्शन की बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द कार्ड ट्रांजेक्शन। तो कार्ड ट्रांजेक्शन में कार्ड टू कार्ड ट्रांसफर यदि हो रहा है, राइट, तो कार्ड टू कार्ड ट्रांसफर के केस में क्या होगा कि जो TAT होता है, जैसे इशू क्या होता है, पहले इशू को समझिए। इशू ये होता है कि बेनिफिशियरी का जो अकाउंट है, बेनिफिशियरी का कार्ड अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ लेकिन अकाउंट जो है डेबिट हो गया है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, तो ऐसे केस में जो TAT दिया जाता है ऑटो रिवर्सल का, सिंपल सी बात है, आपका अकाउंट खाते से पैसा कट गया लेकिन जो बेनिफिशियरी के कार्ड में वो क्रेडिट नहीं हुआ, तो ऐसे केस में TAT कितना दिया जाता है, तो ऐसे केस में जो TAT दिया जाता है वो होता है हमारा 100 रुपया T+1 डेज का TAT होता है, और T+1 डेज का TAT तो ठीक है। और फिर उसके बाद कॉम्पेंसेशन कितना होगा, यदि मान लीजिए कि इतने दिनों में रिजॉल्व नहीं होता है तो कॉम्पेंसेशन होता है हमारा T+1 डेज, ठीक है। कॉम्पेंसेशन कितना होता है T+1 डे का, 100 रुपया प्रत्येक दिन, 100 रुपया प्रत्येक दिन के हिसाब से आगे का कॉम्पेंसेशन आपको देना पड़ेगा। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं पॉइंट ऑफ सेल कार्ड।
तो पॉइंट ऑफ सेल में क्या होता है कि अकाउंट मेरा डेबिट हो गया लेकिन मर्चेंट के लोकेशन पे कोई कंफर्मेशन ही नहीं आया, इसको POS बोलते हैं। तो इसका भी जो TAT है वो T+5 days का है और कॉम्पेंसेशन दिया जाता है 100 रुपया प्रत्येक दिन के हिसाब से बियॉन्ड T+5 days। ठीक है, ये बातें क्लियर रहेंगी आपको। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कार्ड नॉट प्रेजेंट, जिसको हम लोग ई कॉमर्स बोलते हैं, CNP बोलते हैं। तो इशू क्या होगा, वही इशू रहेगा हमारा कि अकाउंट हमारा डेबिट हो गया, राइट, अकाउंट हमारा डेबिट हो गया लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं आया मर्चेंट सिस्टम में, राइट। सो अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड बट नो कन्फर्मेशन एट द मर्चेंट सिस्टम। तो इस केस में TAT क्या होता है, तो इस केस में TAT होता है हमारा T+5 का भी होता है। तो दोस्तों एक बार इसको देख लीजिए, क्योंकि ये सवाल से पूछा जाता है कि TAT अलग अलग केसेस में क्या क्या होते हैं, राइट। और ये पेज नंबर आपको बता देता हूँ 392 पेज में दिया हुआ है आपके मैकमिलन बुक का। तो कुछ सवाल कर लिया जाए इस पे, जो जिस पॉइंट अभी हमने देखा है उसको रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला सवाल है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ RBI फ्रेमवर्क ऑन TAT फॉर फेल्ड ट्रांजेक्शन, बताइए क्या प्राइमरी गोल है। तो पहला ऑप्शन कर रहा है टू इंक्रीज बैंक प्रॉफिट, नो दिस इज रॉन्ग। देखिए मेन पर्पस यही है हमारा कि हमारा जो ये इंश्योर करना कि हमारा फेल ट्रांजेक्शन का क्विक रिजॉल्व हो, राइट, टू इंश्योर दैट आवर फेल ट्रांजेक्शन गेट क्विकली रिजॉल्व। और दूसरी बात ये और कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, कस्टमर में कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। अच्छा, अब एक सवाल और देखिए, सवाल में पूछा जा रहा है आपसे कि मान लीजिए कि कोई कस्टमर है और उसका अकाउंट डेबिट हो गया लेकिन कैश डिस्पेंस नहीं हुआ ATM में। तो उस केस में पूछा जा रहा है आपसे कि TAT क्या होगा ऑटो रिवर्सल का। तो मैंने बताया था कि ATM में T+5 days का होता है, राइट, T+5 day का TAT होता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि व्हाट इज ये, तो बताता जाए, हाँ, यदि मान लीजिए कि कार टू कार ट्रांसफ़र हो रहा है और वहाँ पे कितना कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा, डिले इन रिजॉल्विंग, रिजॉल्व करने में डिले हो रहा था, 100 रुपये प्रत्येक दिन के हिसाब से दिया जाएगा। POS ट्रांजेक्शन है जहाँ पे अकाउंट डेबिट हो गया लेकिन कोई कन्फर्मेशन नहीं रिसीव हुआ, तो वहाँ पे टर्न अराउंड टाइम कितना होता है। तो टर्न अराउंड टाइम वहाँ पे होता है हमारा T+ देखिए मर्चेंट लोकेशन है ना, तो T+1 days का होता है, T+5 days का होता है, इसमें T+1 days का होता है, T+5 होगा आंसर इसका। ठीक है, क्या एक्शन कस्टमर ले यदि फेल ट्रांजेक्शन को रिजॉल्व नहीं किया गया TAT के अंदर, तो एक कंप्लेन रजिस्टर कर सकता है RBI ओम्बड्समैन स्कीम 2021 के अंदर। चलिए आप पेज नंबर 400 में आ जाइए। पेज नंबर 400 जो है वो क्या है हमारा, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग DSA की बात करेंगे, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट की बात करेंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट जो है फॉरेन बैंक के द्वारा पायनियर किया गया और नए जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक ने इसे अडॉप्ट किया। तो DSA वह एजेंसीज होती हैं जिनको अपॉइंट किया जाता है बैंक के द्वारा कि वो बिजनेस को सोर्स करे फी बेसिस पर, खासकर उस एरिया में जहाँ पे बैंक जो है ब्रांच पेनिट्रेशन लैक करता है। इसका प्राइमरी रोल ये है कि क्रेडिट कार्ड देना, रिटेल लोन देना, ठीक है, फील्ड पर्सनल के माध्यम से, टेलीकॉलर के माध्यम से कि वो अपने मार्केटिंग प्रोसेस को समझाए। अब इसका प्रोसेस कैसे होता है वो थोड़ा समझ लीजिए। देखिए सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें कस्टमर को एक्वायर करना। तो DSA क्या करता है कि प्रिलिमिनरी फॉर्मेलिटी को कंप्लीट करता है कस्टमर को एक्वायर करने का, जबकि बैंक स्क्रूटनी और KYC प्रोसेस को हैंडल करती है। दूसरी बात क्या है, मार्केटिंग। DSA फील्ड पर्सनल और टेलीकॉलर को यूज करता है मार्केट करने के लिए। इसका बेनिफिट क्या मिलता है, इसका बेनिफिट देखिए क्या मिलता है कि बैंक जो है कस्टमर के लास्ट सेक्शन को सर्व कर पाता है, ठीक है, बिना एक्सटेंसिव ब्रांच नेटवर्क का। कॉस्ट एफिशिएंसी है, DSA किसी बैंक के पेरोल पे नहीं होता जिस कारण से सर्विस डिलीवरी का कॉस्ट कम होता है बैंक के लिए। कॉम्पेंसेशन जो है बिजनेस के वॉल्यूम कितना सोर्स किया जा रहा है उसके बेसिस पे होता है। रिस्क की बात करें तो रिस्क भी है इसमें, रिस्क है पहला मिस सेलिंग का। देखिए क्रेडिट कार्ड इश्यूज में बहुत कॉमन है जो आप इस कारण से क्या होता है कि कस्टमर डेब्ट ट्रैप में चले जाते हैं, रिटेल लोन से उनका डिससेटिस्फेक्शन बढ़ जाता है क्योंकि प्राइसिंग ही क्लियर नहीं होता है। कभी कभी बैंक रेपुटेशन रिस्क भी फेस करती है क्योंकि ये मिस सेलिंग और फॉल्स प्रॉमिस जो DSA देते हैं वो बैंक के रेपुटेशन को हार्म करती है और इस कारण से रेगुलेटरी एक्शन भी आता है, राइट। तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा DSA एक कस्टमर सुटेबिलिटी भी एक पॉइंट होता है, राइट। तो कस्टमर सुटेबिलिटी वाला क्या पॉइंट है आइए जरा देखते हैं। कस्टमर सुटेबिलिटी में देखिए बताया जा रहा है कि DSA क्या करते हैं कि प्रायोरिटाइज करते हैं। DSA ऑफन प्रायोरिटाइज, किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करते हैं DSA? तो DSA ऑफन प्रायोरिटाइज सेलिंग ओवर इंश्योरिंग द प्रोडक्ट सूट्स द कस्टमर नीड इंपैक्टिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो नाउ डिपेंडेंस की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर इंक्रीजली DSA पे रिलाई करते हैं। जो प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हैं ना वो DSA पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं ताकि अपने ऑपरेशन को स्केल अप कर सकें और डोर स्टेप बैंकिंग को अचीव कर सकें। दूसरी बात यह है कि बिजनेस कॉन्ट्रीब्यूशन, यदि हम
कंट्रीब्यूशन की बात करें तो रिटेल एसेट पोर्टफोलियो का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है हमारा रिटेल एसेट पोर्टफोलियो का सिग्निफिकेंट पोर्शन डीएसए के माध्यम से सोर्स किया जाता है, राइट। और ये पॉइंट ध्यान रखना है, और लगभग 70% मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि 70% ऑफ द लार्ज प्राइवेट प्लेयर रिटेल एसेट इंक्लूडिंग होम लोन के सोचिए 50% से ज़्यादा है, राइट। 50% से ज़्यादा जो है इनके थ्रू डीएसए के माध्यम से किया जाता है। सवाल है कि प्राइमरी रोल क्या है डीएसए का, प्राइमरी रोल डीएसए का क्या है बताइए। तो पहला अगर है फाइनेंशियल ऑडिट कंडक्ट करना, बिजनेस को सोर्स करना बैंक के लिए, बैंक ब्रांच को मैनेज करना, कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करना। सही जवाब क्या है कि बिजनेस को सोर्स करना, राइट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन इशू एसोसिएटेड विद डीएसए, इनमें से कौन सा कॉमन इशू है डीएसए के साथ, तो हाई ऑपरेशनल कॉस्ट, लिमिटेड कस्टमर ब्रांच। तो मिस सेलिंग सबसे बड़ा इशू है। डीएसए कैसे हेल्प करता है प्राइवेट सेक्टर बैंक को जिसके पास लिमिटेड ब्रांच नेटवर्क है, हाउ डज डीएसए हेल्प। तो पहला देखते हैं, ऑप्शन कर रहा है ऑपरेशनल कॉस्ट कम करवाता है, रिटेल एसेट का सिग्निफिकेंट पोर्शन को सोर्स करता है, फिर सी कर रहा है कि एक्सटेंसिव कस्टमर सपोर्ट ऑफर करता है, इंटरनल ऑडिट कंडक्ट करवाता है। तो डीएसए कैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक को हेल्प करता है बता सकते हैं आप? तो देखिए सबसे पहला इसका बेस्ट एग्जांपल है कि सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ रिटेल एसेट को सोर्स करता है, ठीक है। कौन सा मेजर रिस्क है बैंक फेस करती है जब डीएसए पे रिलाई करती है, तो रेपुटेशन रिस्क फेस करती है मिस सेलिंग के कारण। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर है इसका। चलिए अगला सवाल है कि डीएसए के लिए कितना कॉम्पेंसेशन होता है, डीएसए का कॉम्पेंसेशन प्राइमरली किसके बेसिस पे होता है, तो कितना बिजनेस वॉल्यूम सोर्स किया गया उसके बेसिस पे होता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल हम लोग अगला कॉन्सेप्ट जो डिस्कस करते हैं वो पेज नंबर 403 से रिलेटेड है। दोस्तों मैं आपको बता दूंगा अगले 3 दिन के लिए, यदि आप RBWM में यदि आप कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हैं, यदि आपको कहीं लग रहा है कहीं मैं चूक रहा हूं, तो दोस्तों आपके लिए मैं एक कॉन्फिडेंस बूस्टर कोर्स लेकर आया हूं जिसका नाम है कैप्सूल कोर्स। इस कैप्सूल कोर्स के अंदर आपको प्रैक्टिस के लिए दोस्तों 100 से ज्यादा क्विजेस दिए जा रहे हैं, जो कि आप एक क्विज में लगभग 15-20 क्वेश्चंस हैं, सभी का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। उसके अलावा दोस्तों आपको कंसेप्ट के लिए वन लाइनर PDF, माइक्रो नोट्स, ये जो हमारा व्हाट टू स्टडी PDF है ये अपलोड किया जा रहा है। उसके अलावा दोस्तों आपको कैप्सूल PDF दिया जा रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के PDF दिए जा रहे हैं। तो मोर देन सफिशियंट कोर्स है, मात्र 60 रुपीज़ में आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। इफ यू वांट टू एक्सेस दिस पार्टिकुलर कोर्स, व्हाट्सएप मी ऑन दिस पार्टिकुलर नंबर, आई विल प्रोवाइड यू द डिटेल रिगार्डिंग द कोर्स, हाउ टू अवेल दिस पार्टिकुलर कोर्स, यही तो डिस्क्रिप्शन में भी जाके आप कोर्स का लिंक देख सकते हैं। चलिए तो हम लोग CLM मॉडल की बात करते हैं। CLM मॉडल का फुल फॉर्म होता है co-lending मॉडल। इसके लिए आप पेज नंबर 403 पे आ जाइए अपने रिटेल बैंकिंग बुक का। तो RBI ने गाइडलाइन इशू किया था co-lending का बैंक और NBFC के द्वारा टू प्रायोरिटी सेक्टर ऑन November 5, 2020। तो 5 नवंबर 2020 को RBI का के द्वारा गाइडलाइन दिया गया था co-lending बाय बैंक एंड NBFC। तो बैंक और NBFC को co-lending करना है प्रायोरिटी सेक्टर को, प्रायोरिटी सेक्टर आप समझते होंगे, राइट। तो इसके रिगार्डिंग जो है RBI के द्वारा एक गाइडलाइन दिया गया। तो अब जरा इसका ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि क्रेडिट फ्लो बढ़ेगा अनसर्व्ड और अनडिजर्व्ड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी में, और इस कारण से क्या होगा कि फंड जो है अफोर्डेबल कॉस्ट पे अवेलेबल होगा, राइट। ये सबसे बड़ा इसका ऑब्जेक्टिव है। इसके की फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला आता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप यानी कि बैंक को परमिट किया गया है कि वो सारे RBI के रजिस्टर्ड NBFC को कोलेंड करें, जिसमें HFC भी आता है। HFC क्या होता है? हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आता है। अब देखिए दोस्तों इसकी पॉलिसी रिक्वायरमेंट की बात करें तो बैंक और NBFC जो है बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी को फॉर्मुलेट करेगी CLM के लिए और उसको अपने वेबसाइट पे पब्लिश करेगी। NBFC के स्कोप की बात करें तो इसके अंदर NBFC और HFC दोनों आता है। टर्म ऑफ अरेंजमेंट की बात करें तो सेमी अर्बन, रूरल मार्केट, स्मॉल बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेगमेंट, ये सभी इसके टारगेट सेक्टर हैं। इंगेजमेंट की बात करें तो बैंक मल्टीपल NBFC के साथ इंगेज होते हैं अलग अलग प्रोडक्ट में, अलग अलग कस्टमर सेगमेंट में। एलिजिबल काउंटर पार्टी होते हैं सभी रजिस्टर्ड NBFC। एलिजिबल एसेट क्लास में जितने भी लोन प्रायोरिटी सेक्टर के लिए क्वालिफाई होते हैं एज पर RBI गाइडलाइन, वो सभी एसेट क्लास होते हैं। तो समझ में आ रहा है आपको सेक्टर कौन सा टारगेट है, एंगेजमेंट कौन सा? देखिए आप बुक पढ़ने जाएंगे ना तो आपको खुद से समझना पड़ेगा, खुद से हाईलाइट करना पड़ेगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, और यहां पे मैं ऑलरेडी आपके सामने हाईलाइट करके दे रहा हूं कि आप इसको बस देख लीजिए, ठीक है। यही फायदा है हमारे कैप्सूल कोर्स का। तो टर्म्स ऑफ अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, टारगेट सेक्टर में सेमी अर्बन, रूरल मार्केट, स्मॉल बिजनेस आएगा। एंगेजमेंट बैंक मल्टीपल NBFC के साथ एंगेज होगी। एलिजिबल काउंटर पार्टी में सारे रजिस्टर्ड NBFC आते हैं। बैंक का कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा? तो 20% रहेगा डायरेक्ट एक्सपोजर के माध्यम से, और NBFC जो है मिनिमम 20% को रिटेन करेगी। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो NBFC जिसके पास प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, ज्योग्राफिकल रीच है, रोबस्ट क्रेडिट एंड कलेक्शन प्रोसेस है, कॉम्पैटिबल सिस्टम है, कॉम्पिटेंट मैन पावर है, ये सभी सिलेक्शन क्राइटेरिया में इंक्लूडेड है। यदि हम बात करें यील्ड प्राइसिंग की, तो जो इंटरेस्ट रेट होता है बैंक के पोर्शन का, अभी मैंने बताया ना कि 20% जो है डायरेक्ट एक्सपोजर के माध्यम से होता है, और NBFC कम से कम 20% तो रिटेन करेगी ही करेगी। और किस किस NBFC को सेलेक्ट करें ये भी मैंने बताया। यील्ड प्राइसिंग का बात करता
रहा हूँ, तो इंटरेस्ट रेट जो होता है बैंक के पोर्शन का वो कंप्लाई करेगा रेगुलेटरी डायरेक्शन और एडवांस को। अब कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए। सवाल है कि व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ को लैंडिंग मॉडल, तो इस को लैंडिंग मॉडल का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बता दीजिए। तो प्लीज टेल व्हाट इज द को लैंडिंग, ये जो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द को लैंडिंग मॉडल, इंक्रीज बैंक प्रॉफिट, इंप्रूव क्रेडिट फ्लो टू द अनसर्व्ड एंड अनडिजर्व्ड सेक्टर, यही सही होगा राइट। जो हमारा अनसर्व्ड सेक्टर है, जो हमारा अनडिजर्व्ड सेक्टर है, उसके लिए क्या करना, उसके लिए हमें वो क्रेडिट फ्लो को बढ़ाना, ये सबसे बड़ा पॉइंट है राइट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिर सवाल है कि व्हाट इज द मिनिमम डायरेक्ट एक्सपोजर अ बैंक मस्ट रिटेन इन को लैंडिंग अरेंजमेंट, तो बताइए मिनिमम डायरेक्ट एक्सपोजर जो कि बैंक रिटेन करेगी को लैंडिंग अरेंजमेंट, वो 20% है, मैंने बताया था आपको। किस तरह के लोन के एलिजिबल होते हैं को लैंडिंग मॉडल के लिए, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, तो जितने भी लोन प्रायोरिटी सेटेड एडवांस में क्वालिफाई होते हैं ना, उन्हीं को लैंडिंग मॉडल के एलिजिबल होते हैं। और मिनिमम डायरेक्ट एक्सपोजर मैंने बताया 20% का होता है, ठीक है। फिर दोस्तों क्या क्राइटेरिया एनबीएफसी यूज, एनबीएफसी टू मीट फॉर सलेक्शन फॉर को लैंडिंग, बताइए कौन सा क्राइटेरिया यूज करें। तो ऑप्शन कर रहा है लार्ज एसेट बेस, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, यस प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड एंड रोबस्ट क्रेडिट प्रोसेस राइट। तो ये क्राइटेरिया को यूज करें। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि व्हाट मस्ट बैंक एंड एनबीएफसी डू बिफोर इंटरिंग इनटू को लैंडिंग अरेंजमेंट, तो वो सबसे पहले बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी को फॉर्मुलेट करें और पब्लिश करें। तो ये सभी चीज़ ध्यान रखना है आपको। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पेज नंबर 433 में आ जाइए राइट। तो 433 पेज में हमारा टॉपिक है कस्टमर ग्रीवियंस हैंडलिंग मैकेनिज्म। तो कस्टमर ग्रीवियंस हैंडलिंग मैकेनिज्म का मीनिंग क्या हुआ, तो सबसे पहले बैंक कस्टमर को हेल्प करे कि कैसे कंप्लेन करना है, कहाँ कंप्लेन करना है, रिस्पांस टाइम कितना आएगा, रिड्रेसल प्रोसीड्यूर क्या है, यदि आउटकम से डिससेटिस्फाई है तो क्या स्टेप लेना है। तो ब्रांच लेवल पे जो है ना ग्रीवियंस हैंडलिंग ऑफिसियल होंगे जो कि डिस्प्ले किया जाएगा ब्रांच पे, जो भी हमारा अनरिजॉल्व कंप्लेन रहेगा ब्रांच लेवल पे उसको टॉप लेवल पे एस्केलेट किया जाएगा विद इन द बैंक, और फाइनल रिस्पांस हमको 30 दिन के अंदर प्रोवाइड करना है। ये सभी चीज़ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे आपको डेली प्रैक्टिकल लाइफ में भी हेल्पफुल होगा। और दोस्तों कस्टमर रीजनल और रूरल मैनेजर को अप्रोच करेगा या प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर को अप्रोच करेगा यदि जरूरत पड़े तो। रिटर्न कंप्लेन हैंड डिलीवरी और एक्नॉलेज इमीडिएटली, एक कंप्लेन रेफरेंस नंबर एसएमएस के माध्यम से भेजा जाता है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को। फोन कंप्लेन जो है कंप्लेन रेफरेंस नंबर रिसीव करेगा और प्रोग्रेस करेगा अपडेट को रीजनेबल टाइम के अंदर राइट। उसके बाद दोस्तों रिस्पांस की बात करें तो फाइनल रिस्पांस या फाइनल एक्सप्लेनेशन जो डिले है, मान लीजिए कि 30 दिन से ज़्यादा समय लग रहा है तो आपको उसका डिले क्यों हो रहा है, उसका रिस्पांस जो है वो देना पड़ेगा कंप्लेनेंट को। एस्केलेशन की बात करें यदि 30 दिन के अंदर भी अनरिजॉल्व है, ठीक है, तो फिर क्या करना है, तो उस केस में दोस्तों कस्टमर जो है बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास जा सकता है, आपको पता होगा बैंकिंग ओम्बड्समैन के बारे में। तो सवाल है कि व्हाट विल द बैंक हेल्प कस्टमर अंडरस्टैंड व्हेन बैंकिंग कंप्लेन, सब कुछ बताया वो हाउ वेयर हुम टू कंप्लेन में, ऑप्शन बी करेक्ट है। यदि कंप्लेन अनरिजॉल्व बताया ब्रांच लेवल पे तो इसको किसको एस्केलेट करना है, तो इसको एस्केलेट करना है टॉप ग्रीवियंस रिड्रेसल अथॉरिटी विद इन द बैंक राइट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि कैसे बैंक एक्नॉलेज करेगी एक हैंड डिलीवर रिटर्न कंप्लेंट को, तो तुरंत एक एक्नॉलेजमेंट नंबर प्रोवाइड करेगी, एक कंप्लेन रेफरेंस नंबर भेजेगी एसएमएस के माध्यम से। एक कस्टमर क्या करे यदि उसे सेटिस्फैक्ट्री रिस्पांस ना मिले 30 दिन के अंदर, बताइए क्या करेगा वो, तो 30 दिन के अंदर रिस्पांस ना मिलेगा तो ओम्बड्समैन के पास जा सकता है, ऑप्शन सी सही होगा। कौन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि कैसे हम बैंकिंग ओम्बड्समैन के कंप्लेन को एस्केलेट करें, बैंकिंग बैंक सिक्योरिटी स्टाफ, बैंक आईटी डिपार्टमेंट, बैंक स्टाफ हैंडलिंग कंप्लेन, सही जवाब है बैंक स्टाफ जो कंप्लेन को हैंडल कर रहा है वो बताएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पेज नंबर है हमारा 434। पेज 434 में क्या हमें डिस्कस करना है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कस्टमर प्रोटेक्शन इन बैंकिंग। तो कस्टमर प्रोटेक्शन इन बैंकिंग का मतलब ये हुआ कि देखिए आरबीआई ने एक स्टेप लिया है ताकि हम कस्टमर प्रोटेक्शन को स्ट्रेंथन करें, इसके लिए बीएससीबीआई इसको डिसॉल्व कर दिया गया, बीसीएसबीआई क्या होता है, बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड कमिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अब नया मेजर क्या आया है, तो नया मेजर ये आया है कि सीईपीडी आया है। सीईपीडी क्या होता है, कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट। तो ये समझिए कि एक सेंट्रल पॉइंट होता है जहां पे हम कंप्लेन को रिसीव करते हैं और हैंडल करते हैं जो कि बैंकिंग सर्विसेज से रिलेटेड है, ठीक है। तो बैंकिंग सर्विस से रिलेटेड जो कंप्लेन होते हैं उसको हैंडल करने के लिए सीईपीडी को एस्टैब्लिश किया गया। फुल फॉर्म याद रखिए, फुल फॉर्म होता है इसका कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, पहले बीसीएसबीआई था, अब उसको हटा दिया गया। और ये जो है ना ओम्बड्समैन स्कीम को भी मॉनिटर करता है। तो यदि हम इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021 की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे तीन जो हमारा बैंक के लिए एग्जिस्टिंग स्कीम था, एनबीएफसी के लिए एग्जिस्टिंग स्कीम था, उसको मर्ज कर दिया गया। और इस कारण से क्या हुआ कि जो कंप्लेन फाइलिंग प्रोसेस होता है ना उसको बहुत आसान कर दिया गया राइट।
तो अब देखिए ये अब देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें स्पेसिफिक स्कीम को आइडेंटिफाई करने का। कंप्लेन रिजेक्ट नहीं होगा माइनर कवरेज इशू के लिए, और सेंट्रलाइज रिसीट होगा, प्रोसेसिंग होगा फिजिकल और ईमेल कंप्लेन के लिए। तो अब देखिए स्ट्रीमलाइन कंप्लेन रिजोल्यूशन, सबसे पहले कंप्लेन के ग्राउंड को डिफाइन कीजिए एक्सक्लूजन के साथ, ज्यूरिडिक्शन लिमिटेशन का एलिमिनेशन हो गया ऑम्बड्समैन ऑफिस का, है ना। फिर की फंक्शनरी, की फंक्शनरी की बात करें तो पहले होते हैं हमारे प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर। तो प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर कौन होते हैं, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बैंक को रिप्रेजेंट करेंगे और जो भी कंप्लेन केसेस हैं उसमें जानकारी प्रोवाइड करेंगे, राइट। तो ये इनकी सबसे बड़ी ये होती है। उसके बाद दोस्तों हम लोग एक होता है एपलेट अथॉरिटी, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं आरबीआई के, जो कि अपील को मोनिटर करते हैं, ओवरसीज करते हैं, राइट। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट। अब बात करते हैं कि सीएपीडी का क्या पर्पज़ है। पहला कह रहा है कि लैंडिंग रेट को सेट करना, कंप्लेन को हैंडल करना बैंक सर्विस के बारे में, यस करेक्ट। की बेनिफिट क्या है इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021 का, इट अलाउ फाइलिंग कंप्लेन डायरेक्टली विद इन द आरबीआई गवर्नर, इट सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द राइट कंप्लेन चैनल, बिल्कुल सही। तो ओम्बड्समैन स्कीम से क्या हुआ है कि हमारे पास जो राइट कंप्लेन चैनल क्या हो सकता है इसको पता लगाने में बहुत आसानी हो गई है, ऑप्शन बी सही जवाब है। प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर का यानी पीएनओ का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कंप्लेन प्रोसेस में, तो वो बैंक को रिप्रेजेंट करता है और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम के अंदर कंप्लेन को किस लैंग्वेज में फाइल किया जाएगा, हिंदी में, इंग्लिश में, एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में फाइल किया जाएगा। कौन अपील कर सकता है ओम्बड्समैन के डिसीजन को अगेंस्ट अ बैंक, तो मान लीजिए बैंक के अगेंस्ट डिसीजन है तो ओम्बड्समैन के डिसीजन को कौन अपील कर सकता है, तो कंप्लेनेंट अपील कर सकता है यदि रिजोल्यूशन से वो डिससैटिस्फाइड है तो। अब आप पेज नंबर 454 में आ जाइए और बात करते हैं हम लोग वेल्थ मैनेजमेंट की। वेल्थ मैनेजमेंट एक सर्विस होता है जो कि प्रोफेशनल के द्वारा ऑफर किया जाता है ताकि इंडिविजुअल और फैमिली को हेल्प कर सकें कि वो अपने फाइनेंस को मैनेज करें। वेल्थ मैनेजर के पास एक्सपर्टाइज होता है बहुत सारे एरियाज में। यदि हम की सर्विसेज की बात करें तो देखिए इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में हेल्प होता है, टैक्स प्लानिंग में हेल्प करते हैं ये लोग, एस्टेट प्लानिंग में, इंश्योरेंस प्लानिंग में हेल्प करते हैं। यदि वेल्थ मैनेजमेंट प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले तो क्लाइंट के सिचुएशन को देखिए, करंट फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, गोल क्या है उसका, रिस्क टॉलरेंस कितना है, उसके फाइनेंशियल गोल को देखिए, एक कस्टमाइज सॉल्यूशन को डिज़ाइन कीजिए, स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट कीजिए। ऑब्वियसली इसको मुझे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि ये सब सेल्फ अंडरस्टूड है। और मॉनिटर एंड रिव्यू कीजिए, राइट, मॉनिटर एंड रिव्यू कीजिए, ये भी यही पॉइंट ध्यान रखना है आपको। और ये सब पॉइंट मैं समझा रहा हूँ वेल्थ मैनेजमेंट का, वेल्थ मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या होता है। फिर इसके सर्विसेज की बात करें, इसके सर्विसेज की बात करें तो सबसे पहला होता है एसेट एलोकेशन मैनेजमेंट। एसेट एलोकेशन मैनेजमेंट में क्या होता है कि हम इन्वेस्टमेंट को बैलेंस करते हैं अलग अलग कैटेगरीज में ताकि रिस्क को मैनेज कर सकें, राइट। तो ये सबसे इसको को बोलते हैं हम लोग एसेट एलोकेशन मैनेजमेंट। उसके बाद दोस्तों टैक्टिकल मैनेजमेंट की बात करें तो बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं ताकि हम फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकें। फिर आता है हमारा डाइवर्सिफाइड मैनेजमेंट, हम फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट मॉडल प्रोवाइड करते हैं, राइट, ताकि इंडिविजुअल नीड्स को हम मीट कर सकें। अब देखिए एक होता है, ये सभी वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज हैं, फिर से रिकॉल कर लीजिए, एसेट एलोकेशन मैनेजमेंट यानी इन्वेस्टमेंट को हम बैलेंस कर रहे हैं अलग अलग कैटेगरी में। दूसरा होता है हमारा टैक्टिकल मैनेजमेंट यानी जो बेस्ट ऑप्शन है फाइनेंशियल गोल को अचीव करने का वो क्या हो सकता है, उसे हम लोग अचीव करते हैं, उसको देखते हैं, डाइवर्सिफाइड होना चाहिए हमारे पास। अब देखिए इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी दो तरह का है, एक तो ट्रेडिशनल है और एक हमारा है मॉडर्न। तो ट्रेडिशनली बैंक डिपॉजिट पॉपुलर इसलिए थे क्योंकि इनका ये कन्वीनियंस थे और काफ़ी ज़्यादा सेफ था, ट्रेडिशनली बात करें तो। अब दोस्तों क्या हुआ है कि वेल्थ मैनेजमेंट एक वाइड रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ऑफर करते हैं, राइट। वेल्थ मैनेजमेंट जो है एक वाइड रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ऑफर करते हैं फॉर पोटेंशियली हायर रिटर्न। तो हायर रिटर्न के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, राइट। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद बात करें कुछ MCQs की, तो वेल्थ मैनेजमेंट का प्राइमरी फोकस क्या है, मैनेजिंग एवरीडे ट्रांजेक्शन, बताइए ये सही है कि गलत है, सर प्रत्येक दिन के ट्रांजेक्शन को मैनेज करना। तो ये देखिए दोस्तों ये गलत है। फिर दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि हेल्पिंग क्लाइंट अचीव देयर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल, ये बिल्कुल सही है, यही प्राइमरी गोल है ना, कि जो हमारे क्लाइंट हैं उनका जो लॉन्ग टर्म गोल है उसको वो अचीव कर सकें, दिस इज द प्राइमरी गोल। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा फैक्टर को कंसिडर किया जाए जब हम एक वेल्थ मैनेजमेंट प्लान को डेवलप करें। तो पहला कह रहा है कि क्लाइंट एजेंट एंड रिस्क टॉलरेंस ओनली, क्लाइंट फाइनेंशियल सिचुएशन गोल एंड रिस्क टॉलरेंस, तो ये भी सही है, ये सही है कि क्लाइंट के फाइनेंशियल सिचुएशन को देखिए, उनके गोल को देखिए, उनके रिस्क टॉलरेंस को देखिए। एसेट एलोकेशन मैनेजमेंट का क्या बेनिफिट होता है, तो ये क्या करता है, रिस्क को मिनिमाइज करता है इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। टैक्टिकल मैनेजमेंट कैसे एसेट एलोकेशन मैनेजमेंट से अंतर है, देखिए मैंने अभी आपको बताया था एसेट एलोकेशन मैनेजमेंट में क्या होता है कि आप इन्वेस्टमेंट को बैलेंस करते हैं अलग अलग कैटेगरीज में,
और टैक्टिकल मैनेजमेंट में क्या होता है कि आप बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं ताकि अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकें। ठीक है, नाम ही रखा गया ना, एसेट को एलोकेट करना, आप इन्वेस्टमेंट को बैलेंस कर रहे हैं और टैक्टिकल के अंदर क्या कर रहे हैं कि जो बेस्ट ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कर रहे हैं, तो दोनों में अंतर तो है ही है। ठीक है, चलिए, तो एसेट एलोकेशन मैनेजमेंट का क्या बेनिफिट होता है कि पहला कह रहा है कि हाई इन्वेस्टमेंट रिटर्न गारंटी करेगा। रिस्क देखिए, आप जब एसेट को एलोकेट करेंगे ना अलग अलग फील्ड में तो आपका रिस्क कम होगा क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, समझे। टैक्टिकल मैनेजमेंट कैसे एसेट एलोकेशन से डिफरेंट होता है, तो टैक्टिकल मैनेजमेंट का फोकस होता है लॉन्ग टर्म गोल पे जबकि एसेट एलोकेशन है शॉर्ट टर्म गोल पे, ये तो गलत है। टैक्टिकल मैनेजमेंट के अंदर हम स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को चूज करते हैं एसेट एलोकेशन के अंदर, बिल्कुल सही बात है। एसेट एलोकेशन के अंदर जो हमारे पास स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, बहुत सारा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का, हो सकता है म्यूचुअल फंड हो सकता है कि हमारा स्टॉक हो सकता है कि हमारा बॉन्ड्स हो, तो ये सभी अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। तो प्रत्येक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को हम लोग टैक्टिकल मैनेजमेंट को में चूज करते हैं, राइट, ये बात ध्यान रखना है। अब ड्रॉबैक क्या है ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट का, जैसे कि बैंक डिपॉजिट का, तो यहाँ पे रिटर्न कम होता है। मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारा ट्रेडिशनल डिपॉजिट ट्रेडिशनल स्ट्रेटजी था ना, यहाँ पे हमें कम रिटर्न मिलता था, राइट, ये सबसे बड़ा दिक्कत था। अब दोस्तों आप पेज नंबर 478 में आ जाइए और आप डिस्कस करते हैं फुल सर्विस इन्वेस्टमेंट बैंक। तो सबसे पहला इसमें कौन कौन सा सर्विस ऑफर किया जाता है, पहला सर्विस होता है अंडरराइटिंग। अंडरराइटिंग को समझिए क्या होता है कि जो कैपिटल मार्केट और अंडरराइटिंग ग्रुप्स होते हैं वो कंपनीज को कलेक्ट करते हैं जो जिनको कैपिटल चाहिए, आईपीओ समझते हैं ना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है, यानी जो भी कंपनी जो है स्टॉक मार्केट में आना चाहती है वो पहले अपना आईपीओ इशू करती है, उसे कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो अंडरराइटिंग का मतलब क्या हुआ समझ में है आपको, अंडरराइटिंग का मतलब ये हुआ कि ये कैपिटल मार्केट और अंडरराइटिंग ग्रुप जो है कनेक्ट करेंगे कंपनीज को इन्वेस्टर के साथ, इसको बोलते हैं न्यू कैपिटल मार्केट। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड अंडरराइटिंग। कैपिटल मार्केट एंड अंडरराइटिंग ग्रुप कनेक्ट कंपनी सीकिंग कैपिटल, तो आईपीओ जिस कंपनी को आईपीओ रिलीज करती है उसे कनेक्ट करती है इन्वेस्टर के साथ, राइट, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यू कैपिटल मार्केट बोलते हैं, अंडरराइटिंग समझ में आया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आता है हमारा M&A, मर्जर एंड एक्विजिशन। तो देखिए होता क्या है कि जो बायर हैं जो सेलर हैं बिजनेस के, ठीक है, उनके जो एडवाइज़र होते हैं, ठीक है, मैनेजिंग द M&A प्रोसेस फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, तो ये M&A प्रोसेस को शुरुआत से लेकर अंत तक मैनेज करते हैं एडवाइज़र जो होते हैं बायर और सेलर का। सेल्स एंड ट्रेडिंग, तो देखिए इसमें क्या होता है कि आप बायर और सेलर को मैच कर रहे हैं सिक्योरिटीज़ का सेकेंडरी मार्केट में, एक होता है प्राइमरी मार्केट एक होता है सेकेंडरी मार्केट। तो सेकेंडरी मार्केट में जो हमारे पास सिक्योरिटीज होते हैं उनके जो खरीदार हैं उनके जो बेचने वाले हैं उन्हें मैच करना, ये एक तरह के एजेंट के तरह काम करते हैं क्लाइंट के लिए और ये ट्रेड करते हैं फर्म्स के कैपिटल को। तो अभी तक हमने सर्विस क्या क्या ऑफर किया जा रहा है वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला मैंने आपको बताया अंडरराइटिंग सर्विस है, इसके अंदर कैपिटल मार्केट और अंडरराइटिंग ग्रुप जो होते हैं वो आईपीओ वाली कंपनी को इन्वेस्टर के साथ मिलाते हैं, समझ रहे हैं। अंडरराइटर का काम यही होता है कि जिस कंपनी को आईपीओ चाहिए उसको इन्वेस्टर से जोड़ना, और इसको हम लोग नया कैपिटल मार्केट कहते हैं। M&A का मतलब ये होता है कि जो बायर और सेलर हैं उनके जो एडवाइज़र होते हैं वो मैनेज करते हैं M&A प्रोसेस को, मर्जर एंड एक्विजिशन प्रोसेस को। आप समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है उसने किसी को एक्वायर कर लिया, तो या ये कंपनी है वो दूसरे के साथ मर्ज हो गई, तो इसको बोलते हैं मर्जर एंड एक्विजिशन। तो ये प्रोसेस को करवाता है हमारा वेल्थ मैनेजमेंट। दूसरा है हमारा सेल्स ट्रेडिंग करता है, मतलब कि सिक्योरिटीज़ के जो बायर हैं सिक्योरिटीज़ के जो सेलर हैं सेकेंडरी मार्केट में उनको मैच करना, राइट, ये भी काम है। इक्विटी रिसर्च करवाता है, यानी कि जो हमारे पास सिक्योरिटीज हैं उसे रिसर्च करना उसे एनालाइज करना ताकि इन्वेस्टर को हेल्प कर सके कि वो इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। फिर हमारा एसेट मैनेजमेंट भी करता है। एसेट मैनेजमेंट का क्या मतलब हुआ कि आप इन्वेस्टमेंट को मैनेज करें, राइट, यू मैनेज द इन्वेस्टमेंट अक्रॉस वेरियस स्टाइल फॉर वाइड रेंज ऑफ क्लाइंट। चलिए दोस्तों कुछ सवाल करते हैं हम लोग। प्राइमरी फंक्शन क्या है अंडरराइटिंग ग्रुप का, तो टू मैनेज क्लाइंट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, गलत है। टू कनेक्ट कंपनीज रेजिंग कैपिटल विद इन्वेस्टर, बिल्कुल सही है, यही काम है अंडरराइटिंग का कि जिस कंपनी को आईपीओ ने जिस कंपनी को कैपिटल की रिक्वायरमेंट है जिसने आईपीओ दे रखा है उसको इन्वेस्टर के साथ मैच करना कनेक्ट करना। M&A एडवाइजरी का क्या रोल है, M&A एडवाइजरी टीम का क्या रोल है फुल सर्विस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, तो इनका रोल यही है कि वो आपके गाइड करते हैं बायर और सेलर को प्रोसेस ऑफ मर्जिंग और एक्वायरिंग बिजनेस के माध्यम से। सेल्स और ट्रेडिंग टीम कैसे हेल्प कैसे फुल सर्विस मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट बैंक रेवेन्यू जनरेट करता है, तो वो कमीशन अर्न करता है ट्रेड पे जो वो एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो जो भी ट्रेड वो ट्रेड एग्जीक्यूट करेगा उस पर कमीशन होता है सेल्स एंड ट्रेडिंग टीम का। किस तरह का इन्वेस्टर जो है एसेट और मैनेजमेंट डिवीजन ऑफ फुल सर्विस इन्वेस्टमेंट बैंक टिपिकली है, तो ये जो हमारे इन्वेस्टमेंट बैंक होते हैं ना उनका एसेट मैनेजमेंट डिवीजन जो होता है उसमें किस तरह के इन्वेस्टर होते हैं, तो एक वाइड रेंज ऑफ इन्वेस्टर होता है जिसमें इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल दोनों इन्वॉल्व होते हैं। क्या पर्पस होता है इक्विटी रिसर्च का, तो वो वैल्यूएबल इनसाइट प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर को कि स्टॉक को खरीदें या बेचें।
दोस्तों आगे का जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है इसको हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दोस्तों मैं अभी भी बता दूं, ये जो हमारा सीरीज चल रहा है व्हाट टू स्टडी फॉर RBWM का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अभी तक हमने 4 वीडियोस अपलोड किए आपके लिए। प्लीज गो थ्रू ईच ऑफ द वीडियोस, आपको हर एक वो पॉइंट कवर करना ही करना है जो इसमें कवर किया जा रहा है, जो उसको अच्छे से पढ़ना ही है जिसको इसमें कवर किया जा रहा है। तो आप यदि उन चारों का लिंक देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, और हमारे यदि इसका PDF चाहिए आपको, हमारे कैप्सूल कोर्स में आप इनरोल हो सकते हैं। RBWM कैप्सूल कोर्स के लिए इनरोल होने के लिए मुझे व्हाट्सएप करें इस नंबर पे, या डिस्क्रिप्शन में जाकर जो आपको लिंक दिया गया है उस पर भी क्लिक करके आप मुझ तक पहुंच सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके लिए ये वीडियो सीरीज काफी मददगार साबित हो रही होगी। तो यदि आपको कोई सजेशन है प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। धन्यवाद।